21 हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। चार रियासतों में से तीन पर बड़ी जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इक्तदार अब 12 रियासतों तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस घटकर 3 रियासतों तक रह गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सीटों में से 163 निशस्तें, राजस्थान में 199 में से 115 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें हासिल करके कांग्रेस का सफाया कर दिया है। भाजपा की अब इक्तदार वाली 12 रियासतों में तकरीबन निस्फ लोकसभा निशस्तें आती हैं, जबकि कांग्रेस सरकार वाली 3 रियासतों में तैदाद 50 सीटों के करीब है। वही आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी हुकूमतों के साथ तीसरी सबसे बड़ी कौमी पार्टी बन गई है। इन चुनाव के बाद भाजपा की अब उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में सरकारें हैं और अब कांग्रेस से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ छीन कर तादाद 12 हो गई है। इसके अलावा जाफरानी पार्टी 4 रियासतों महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में हुक्मरान इतिहाद का हिस्सा है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 रियासतों कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में अपने तौर पर बरसरे इक्तदार होगी, जबकि बिहार और झारखंड में हुक्मरान इतिहाद का हिस्सा है। इस वक्त 6 नेशनल पार्टियां हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, CPIM, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं, जबकि अगले साल असेंबली चुनाव सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगले साल भी होते दिखाई नजर नहीं आ रहे। 3 रियासतों में नतीजे के बाद वजीर आजम मोदी के फिर से 24 में वापस आने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नाव के कलम। गालो जी कोनी मले वोट जी।